नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। श्वेता के पति अभिनव कोहली को मिली बेल। पत्नी और सौतेली बेटी से बदतमीजी का था आरोप। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। खबर है कि श्वेता तिवारी ने अपने पति अभिनव कोहली पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। श्वेता तिवारी ने अभिनव के खिलाफ समता नगर पुलिस स्टेशन कांदिवली में शिकायत दर्ज कराई थी। अब वही टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो अभिनव कोहली को बेल भी मिल गई है। अभिनव कोहली को रविवार को अरेस्ट किया गया था। मुंबई के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभिनव को मंगलवार को बेल दे दी है। इसके लिए उन्हें 15,000 रुपए जमा करवाने होंगे। खबर है कि अभिनव कोहली को बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें बेल दे दी गई। जहां एक तरफ अभिनव को बेल मिल गई है, वहीं उनका केस अभी जारी है। सोमवार को स्पॉट बॉय की खबर सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि श्वेता और उनके पति अभिनव के बीच में बीते कई समय से अनबन चल रही है। रिपोर्ट है कि श्वेता के पति अभिनव कोहली ने बेटी पलक तिवारी को थप्पड़ मारा, अपशब्द बोले और दुर्व्यवहार किया। अभिनव कोहली की मां यानी कि श्वेता की सास पूनम ने मीडिया से बातचीत में अपने बेटे को निर्दोष बताया है। उनका कहना है कि उन्हें अच्छे से नहीं पता कि श्वेता और अभिनव के बीच क्या हुआ। पूनम के मुताबिक श्वेता तिवारी कुछ समय पहले से अभिनव से तलाक मांग रही है, लेकिन अभिनव तलाक देने को राजी नहीं है। वो बेटे रियांश की खातिर साथ रहना चाहता है। वही श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अपनी पूरी दास्तां सुनाई है। पलक ने लोगों से कहा कि मीडिया उन्हें कभी भी पूरी बात नहीं बता सकेगा। पलक ने कहा, सबसे पहले तो मैं हर उस शख्स को शुक्रिया कहना चाहूंगी जिसने अपनी फिक्र दिखाई और हमें सपोर्ट किया। दूसरी बात ये कि मैं आपको संबोधित करते हुए अपनी सफाई में कुछ बातें करना चाहती हूँ। मीडिया के पास पुख्ता तथ्य नहीं है और कभी होंगे भी नहीं। पलक ने बताया कि अभिनव कोहली ने कभी भी उनके साथ शारीरिक हिंसा नहीं की है और ना ही उन्हें गलत ढंग से छुआ है। इस तरह की कोई भी बातें फैलाने से पहले या उस पर यकीन करने से पहले जरूरी है कि आप पाठक तथ्यों की सच्चाई जान लें। बता दें कि श्वेता तिवारी ने अभिनव कोहली से साल 2013 में शादी की थी। दोनों का 2 साल का बेटा है, जिसका नाम रियांश है। अभिनव से पहले श्वेता तिवारी ने टीवी एक्टर राजा चौधरी से शादी रचाई थी। हालांकि दोनों ने साल 2007 में अलग होने का फैसला लिया था। श्वेता ने राजा पर शारीरिक और मानसिक शोषण करने का आरोप लगाया था। इस विवाद के बाद दोनों का तलाक हो गया था। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।